आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं तो इसे हम कैसे समझें? सबसे पहली बात कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हमें कोई तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है जब हम आपको समझाएं वो चीजें। तो उससे पहले कुछ तैयारी आप कर लें और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होने वाले समस्याओं को जानेंगे और उनसे पहले कुछ तैयारी करने के लिए हम आपको कहेंगे, उनकी क्लास अभी आपसे करने वाले हैं। पूरी क्लास आप एक बार देख लें, पूरा वीडियो आज देख लें, ताकि उनके बारे में आप कुछ मैंने लिंक दिए हैं उस लिंक को ओपन करके उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। आप डायरेक्ट हवा में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाएंगे, इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इनकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले यह समझो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करने होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप रिएक्शन से डरें या मैं आपको डराना भी नहीं चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि इन बातों को ठीक से समझ लें जो मैं बताने वाला। तो सबसे पहले कुछ एक रिएक्शन देखें। हम छोटे छोटे रिएक्शन में गलतियां कर जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम में गलतियां कर जाते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन है सिंपल सा कि हम सभी ये जानते हैं कि AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं NaCl से, तो ये क्या होगा, Ag जो है Cl के साथ मिल जाएगा, AgCl प्लस Na के साथ NaNO3 बन जाती है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस जो बच गया है, इधर से Cl बचा है, इधर से H बचा है HCl। तो आप ये पता लगा रहे हो कि आपको समस्या कहां है। क्या ये रिएक्शन समझ में आया, क्या ये रिएक्शन समझ में नहीं आया? यदि ये रिएक्शन समझ में नहीं आया, जिस तरह से हमने भी बताया, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और अगर समझ में आ चुका है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आपको ये याद है तब कोई प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ इसको समझ रहे हो और सीख रहे हो और ये कर सकते हो रिएक्शन, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के बारे में अभी कुछ और बातें दे दें। चलिए Na2SO4 NaHSO4 Na2CO3 NaHCO3 CaCO3 Al2CO3 twice। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कुछ बच्चों के, ये सब फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि फॉर्मूले क्या याद करना है यार, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको ही करना है और हम निकाल लेंगे। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा हम पढ़ लेते हैं, जब एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। तो कहना यह है कि तो ये सब बातें नहीं, सबसे पहले उन चीजों को जिनको आप पढ़ रहे हो, जिनको आप सीख रहे हो, उनको ठीक से समझो। यहां पर देखिए, इस जगह पर देखो, Na एक बार है और SO4 है, एक बार दो बार है Na, यहां पर Na एक बार है और HSO4 है, यहां पर Na दो बार है और CO3 है, Na एक बार और HCO3 है, यहां पर Ca एक बार है, ये सॉरी इसको ऐसे लिखें, Ca एक बार है और SO3 तीन एक बार है, Al दो बार है और यहां पर CO3 तीन बार है। कुछ बच्चों के लिए बड़ी बात है और कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन चीजों को वो छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल इस बात को नहीं पढ़े हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हमने उन चीजों को छोड़ दिए हैं जिनको हमें पढ़ के आना चाहिए था 11th तक या 12th तक।
तो कोई बात नहीं, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो किन बातों को जाने, इनके लिए आपको कहेंगे इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, पूरा का पूरा देखिए, कुछ भी स्किप ना करें। मैं आपको कहता हूं कि जो बातें मैं बताऊंगा उन चीजों को एक एक करके समझते जाएंगे और हर चीज समझ में आती जाएगी। तो देखें क्या है, अब देखें ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे बताने के लिए ऐसा किया हूं। चलो हम कुछ बातों पर ध्यान दें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। मैंने यहां पर लिस्ट आउट कर दिए हैं, देखें क्या है, इसका लिस्टिंग कर दिया मैंने यहां पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये करें, क्या करें, पहला आयंस को याद रखना होगा, कुछ जनरल आयंस है उन्हें याद रखना पड़ेगा, कैटायन एनायन को। मैं आपको कहूंगा जो मैं यहां पे बता रहा हूं इन सारी बातों का मैंने नीचे लिंक लिख दिए हैं, वो लिंक आप क्लिक बस करना है, आपको वो चीजें ओपन होते जाएंगे। इन चीजों को जानना जरूरी है जो मैं यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले आयन की बात है, आयंस पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इनकी डिटेल्स बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, शॉर्ट शॉर्ट डिटेल बताऊंगा और उसमें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समस्या नहीं होगी। मतलब अचानक आप ये मत सोचना कि हम दो मिनट में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो अब समय आ चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री हो चुके हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे। तो देखें आयंस पे याद रखें, फिर आता है फॉर्मूला, आयन अगर पता है तो फॉर्मूला बना सकते हैं, और जब फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे रिएक्शंस की बात आती है, इजी रिएक्शंस वो हम कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है इजी रिएक्शंस, तो हम थोड़े से और भी जा सकते हैं और भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आयन पे डिपेंड करता है इनकी रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये जो है इनसे हम ये कर सकते हैं। फिर बातें आता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो साधारण जो गुण है, सामान्य गुण है, उनके बारे में जानकारी कैसे दे सकेंगे। जब हम पीरियड टेबल को याद रखेंगे, पीरियड टेबल को याद रखने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, इससे पहले भी वीडियोस हुए हैं और मैं बता चुका हूं तो उनको आप देखेंगे। चलिए इसके बाद है पीरियडिसिटी, पीरियड टेबल याद रहेगा, पीरियडिसिटी आवर्ती गुण, यानी कुछ ऐसे गुण है जो आवर्त सारणी में तत्वों के साथ ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, और कुछ ऐसे गुण है जो ऐसे चलेंगे यानी कि बाएं से दाएं, आपकी तरफ से बाएं से दाएं चलेंगे, तो कुछ गुण जो है बढ़ेगा और कुछ गुण ऐसे हैं जो घटेगा। ये एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक क्रम में होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो चीज है ना, इसमें भी बात होती है, कहीं कहीं पर कुछ अपवाद होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब उस ग्रुप के एलिमेंट्स की हम जानकारी लेंगे और उनका कारण भी हम जानेंगे, तो एक्सेप्शनल केस भी होते हैं तो इनके बारे में हम करेंगे बातचीत। चलिए अब बातें होता है पीरियडिसिटी की बात हो गई, अब कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ सामान्य गुण होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के, पी ब्लॉक एलिमेंट के, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के, उन सामान्य गुणों की जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए और उसे हमेशा याद रखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, कुछ एलिमेंट के बारे में जानकारी पूछा जाएगा पी और डी और एफ के बारे में, तो जनरल जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनसे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, उसके एक्सेप्शन से भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो मैं अपवाद के बारे में जब बताऊंगा तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आती है बातें कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनको आप जरूर जानें क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हमने यहां पर एक और बात कहा था, वो है फॉर्मूला बनाना यानी सूत्र बनाना, यौगिकों के सूत्र। अगर यौगिकों के सूत्र बना रहे हैं तो उसके नाम भी आप जान जाएंगे, तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आज की क्लास में आपको दे रहा हूं तो उनको आप जरूर देखें। चलिए देखिए यहां पर मैंने आयन लिखे हैं, आपको पता होगा कि मैंने फॉर्मूला मेकिंग के लिए इससे भी पहले अच्छे वीडियो दे दिए हैं और एक एक फॉर्मूले को, एक एक आयन को मैंने समझाए हैं कि इसे कैसे याद रखा जा सकता है और कैसे इसका नेमिंग किया जाता है। लेकिन अगर आप उतने डीप में नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो से काम चल जाएगा, और डीप में जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, और डीप में जाना पड़ेगा
क्योंकि जब तक आप उनकी गहराइयों को नहीं समझेंगे, बातों को नहीं समझेंगे, तब तक ये आपको प्रॉब्लम करेगा कि आप, जैसे यहां पर मैंने लिखा है फेरस, यहां पे लिखा है फेरिक। बहुत सारे बच्चों को क्लियर है कि फेरस का मतलब क्या है, फेरिक का मतलब क्या है, लेकिन जिनको क्लियर नहीं है वो उस वीडियो में जाके जरूर देखें, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। चलो देखें, यहां पर आप देख रहे हैं कैटायन यानी कि धनायन का एक लिस्ट बना दिया है मैंने, कुछ एलिमेंट्स का, कुछ आयन्स को दिया यहां पे। फिर इसके बाद एनायन यानी कि ऋण आयन का मैंने कुछ यहां पर लिस्ट बना दिए हैं। इनको देखिए, ये जो है यही सब जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है और इन्हीं के आपसी मिलन से किसी कंपाउंड का निर्माण होता है और इन्हीं के आपस में ट्रांसफर होने से, इधर उधर जाने से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जरा देखें, सबसे पहले मैं यहां पर सिर्फ फॉर्मूला मेकिंग बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, और उसके बाद जो कंपाउंड, एक आध कंपाउंड का नाम देखो क्या करना है। नाम के लिए पहले बात करते हैं, नाम कैसे करते हैं। इधर का पॉजिटिव आयन और इधर का नेगेटिव आयन को मिलाएंगे तो नाम बन जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है फेरस, अब इनको किसी के साथ भी जोड़ लीजिए आप, जैसे फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फेट, फेरस बाइसल्फेट, फेरस बाइसल्फाइट, फेरस बाइसल्फेट, फेरस नाइट्राइट, फेरस नाइट्राइट, फेरस नाइट्रेट, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस परमैंगनेट, फेरस डाइक्रोमेट, फेरस कार्बोनेट, फेरस बाइकार्बोनेट। तो क्या मतलब हुआ, इस तरह से आपने देखा कि ये सिर्फ फेरस है, इतनी सारी अन्य कंपाउंड्स बना सकते हैं और भी बहुत सारे आते हैं जो कि मैंने वहां पर लिस्ट नहीं बनाए हैं। आपको वो सब देखना है तो एक वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया, लिंक में जाकर के आप चेक करिए। फिर इसके बाद आता है फेरिक, फेरिक को भी वैसे ही आप बोलिए, फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक बाइसल्फेट, फेरिक बाइसल्फाइट, फिर इसके बाद फेरिक नाइट्राइट, फेरिक नाइट्राइट, नाइट्राइड, फेरिक नाइट्राइट, फेरिक नाइट्रेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक परमैंगनेट, फेरिक डाइक्रोमेट, फेरिक कार्बोनेट, फेरिक बाइकार्बोनेट। तो आप देख रहे हो कि इन कंपाउंड्स को मिलाया जा सकता है, तो आप देख रहे हो कि इन आयंस को आपस में मिलाया जा सकता है और कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं और उसके बाद आप सीख जाएंगे, तो जरा समझे। देखिए, मैंने कुछ एक, इसमें से कुछ एक चुन लिया और इसमें से कुछ चुन लिया। चलिए मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड है, उसका नाम बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फेरिक सल्फेट, सीधा सा मतलब है। तो फेरिक कौन सा है, सल्फेट कौन सा है, ये चेक करेंगे। एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है किसी भी कंपाउंड में। तो फेरिक आप देख रहे हो इसमें से कौन सा है, ये Fe3+ है, तो मैंने लिखा Fe+3। सल्फेट, इनमें से सल्फेट कौन सा है, ये है SO4 2-, SO4 2- या -2। आप -2 भी लिख सकते हो, 2- भी लिख सकते हो, इसे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चों ने इसमें, या कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर ऐसा उल्टा सीधा कैसे लिखें, नहीं नहीं ये रूल है, यहां पर सिर्फ सिंबल है उसका, चार्ज -- भी लिख सकते हो आप, चलो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अब क्या करें, इसमें 3+ चार्ज है, यानी Fe3+ है, इसमें 3 है प्लस, इसको इस तरफ ले आओ, इसकी वैलेंसी उस तरफ चली गई, और इसमें लिखा है 2, तो इस तरफ ले आइए। तो इसका मतलब यह है Fe, यहां पर नंबर है, इसके यहां लिख दीजिए, तो क्या हुआ Fe एक बार है, प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, नहीं दो बार है, 2 2, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इस पर डाल दीजिए, इसको क्रिस क्रॉस करना बोलते हैं। इसमें +3 है Fe में, तो SO4 को पूरा का पूरा SO4 कितने बार है, 3 बार आएगा, तो इसे 3 लिख दीजिएगा। पूरा SO4 हमको, हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन से बना हुआ है, पूरा SO4 जो है यहां पर 3 बार आएगा, इसलिए इस जगह पर Fe2 क्यों लिखे, क्योंकि Fe एक ही एलिमेंट का
सिंबल है, संकेत है। तो चलो हमने टू लिखा। यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर प्लस थ्री लिखा है, तो प्लस क्यों नहीं लिखे? हम नंबर ऑफ आयंस लिख रहे हैं, इसकी संख्या कितनी होगी Fe3+ की, SO4 की जो वैलेंसी है, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी SO4 की, SO4 की संख्या वैलेंसी है 2 - 2, तो इसमें 2 को हमने इस तरफ लिखा, यानी कि Fe2 टाइम्स आया। और दूसरी बात कहा कि SO4 कितने बार आएगा, आयरन की वैलेंसी है 3, तो हमने उस तरफ कर दिया। बस यही करना है आपको, और नए नए कंपाउंड बनाना है। आप कितने फॉर्मूला दे सकते हैं, कितने कंपाउंड बना सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लिख करके बताइए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आप लिख के उसके फॉर्मूले और उसके नाम बताइए। तो चलो एक और कर लेते हैं, इनमें से कोई एक चुन लीजिए। चलिए हमने लिखा सिल्वर, सिल्वर डाइक्रोमेट, सिल्वर डाइक्रोमेट। सिल्वर है इस तरफ देखो, सिल्वर है Ag+ और डाइक्रोमेट है Cr2O7-2। इसकी संख्या प्लस प्लस है, इसका मतलब है ये एक प्लस है, प्लस वन, तो इसकी संख्या एक हो गई Cr2O7 वन टाइम। इसकी संख्या कितनी है, वैलेंसी 2, तो यहां पर लिख दो, तो हो गया Ag2Cr2O7। कितने बार है, एक बार, ब्रैकेट में लिखोगे बाहर करके एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हो गया Ag2Cr2O7। इसके बाद बात चलता है पीरियड टेबल को, ध्यान रखें पीरियड टेबल अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे फॉर्मूला और बना सकते हैं। वो कैसे, इनके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं, अभी छोटी छोटी पार्ट में इसको दे रहे हैं, तो आप जरूर देखिए अगली पार्ट अब जो हमें देने वाले हैं, तो देखें क्या है, तो आप बना सकते हैं। अगर किसी को समझ में ना हो तो जरूर हमें बताएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बहुत डीप में जाने के लिए बहुत अच्छे समझाया गया है, एक वीडियो है जो कम से कम 40 मिनट का होगा, उसका मैं लिंक जरूर दे रहा हूं, तो आप जरूर उनको देखिएगा, फॉर्मूला मेकिंग के नाम। चलिए अब पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं कि इससे कैसे कोई कंपाउंड बना सकते हैं इन एलिमेंट्स को आपस में जोड़ करके, फिर देखिए क्या होता है। सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे कि आपको पता है, ये वाला पार्ट जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, और बाद में यहां से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो पार्ट है वो निकलते हैं यहां पर 5-6 में, तो वो कौन सा होता है, सॉरी 6 और 7 में होता है, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो इस तरफ 14 एलिमेंट्स के फॉर्म के पीरियड में या सीरीज में है। चलो इन एलिमेंट्स पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो वैलेंसी है वो आप इजिली याद रख सकते हो पीरियड टेबल के बेस पर, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज होती हैं उनमें बहुत सारी चीजों को जानना पड़ता है, इसलिए हमने इसके कुछ वीडियोस बनाए हैं, और जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया जाता है तो वो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी क्या करें, अभी एक काम कर सकते हैं, जो मैंने आयन का लिस्ट बनाए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत सारे जो एलिमेंट्स है या तत्व है इनके लिए, तो उनको आप याद रख सकते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, एक विश्वास रहे कि आप सीख रहे हैं और सचमुच में सीख रहे होते हैं इस टाइम पे। तो चलो देखें, यहां पर देखें ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है, ये ग्रुप है ग्रुप 1, 2, फिर 13, 14, क्योंकि यहां से 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप इस जगह पे आते हैं, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप आता है, तो ये ग्रुप है, इनकी वैलेंसी वो ये लिखा है प्लस वन, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में लिखा गया है प्लस वन, फिर प्लस टू इस ग्रुप के एलिमेंट के, इनके प्लस थ्री, ये प्लस माइनस फोर, कार्बन का प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन का प्लस प्लस प्लस, सबका प्लस होगा, ये 4 होगा, फिर इसका 3, फिर 2, 1, फिर 0 हो जाएगा, 0 ग्रुप लास्ट वाले ग्रुप को कहा जाएगा। इसका क्या यूज करेंगे, मैं यहां पर चूंकि यहां पर कोई एलिमेंट नहीं लिखे तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, इतना ध्यान रखेंगे इस पीरियड टेबल में
कि जो एलिमेंट इस साइड है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा और जो इस साइड है वो नेगेटिव शो करेगा। अगर दो एलिमेंट ऊपर नीचे है तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला उसके तुलना में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। ये सरल रूप में बता रहा हूं, इसके बहुत गहराइयां हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वो नेगेटिव करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो पॉजिटिव करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अब मेरे पास है दो एलिमेंट्स, कोई भी इनमें से उठा लें। आपको पता होना चाहिए ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी जीरो है, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इनको किसी से मत रिएक्शन कराइएगा। दूसरी बात, जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, जीरो वैलेंसी वाले या ऑक्सीडेशन नंबर वाला किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और दो प्लस वाला कोई रिएक्शन नहीं करेगा। कि प्लस जिसके ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मेटल होता है, मेटल आपस में एलॉय बना सकता है, यानी मिश्र धातु बना सकती है, मिश्रित हो सकती है, पर रिएक्शन नहीं करेगी। रिएक्शन करने का मतलब है कि वो बॉन्ड नहीं बनाएगा आपस में। मेटलिक बॉन्ड होगा, मेटलिक बॉन्ड एक विलयन जैसा होता है, एक सॉल्यूशन जैसा होता है। फिर देखें तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो दो जगह पर कंपाउंड नहीं बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपस में बॉन्ड बनाएगा और वो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक कंपाउंड बनाती है, आयनिक यौगिक बनाएगा। दूसरे तब करें, नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ना, नेगेटिव है, देखिए इसका पूरा नेगेटिव मान लेते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर तो नाइट्रोजन का नेगेटिव है लेकिन यहां पर विस्मित का पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों, इनर पेयर इफेक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होता है, ये बहुत सारी गहराइयों की बात आती है। तो वही तो सीखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको ये बात थोड़ी करना है भैया कि यहां पर मैं पूरी बातें बता सकता हूं। मैं यहां पर आपको कुछ जनरल जानकारी दे रहा हूं, जिसको गहरे में पढ़ना है उससे पहले की तैयारी है। थोड़ी जानकारी, थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और जानकारी, इस तरह से पढ़ेगा और इस तरह से पूरी जानकारी होगी। पहले कॉमन जानकारियों को देखा जाता, तो मैं कॉमन बातें लिखा हूं यहां पे, तो समझ में आ रही बातें। तो नेगेटिव नेगेटिव वाले एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है, जुड़ती है, कंपाउंड बनाता है, और इस तरह का कंपाउंड होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक, और कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन आपस में जुड़ेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड कब बनेगा, जब दोनों आयन या दोनों एलिमेंट नेगेटिव होगा। नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है? मैंने आपको बताया, इस तरफ वाला पॉजिटिव, उस तरफ वाला नेगेटिव हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो ऊपर से नीचे चले तो ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव गुण प्रदर्शित करेगा। ये छोटी सी बात आप याद रखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूं और फिर कुछ काम कराता हूं आपसे। सब कुछ शॉर्ट में हो रहा है, सब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। चलिए, अब देखें, मैं कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रख रहा हूं, जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखकर करने हैं, और वो दो एलिमेंट आपस मिलकर के क्या कंपाउंड बनाएगा और किस तरह के छोटे छोटे रिएक्शन होंगे वो जाने। चलिए, मैंने लिख दिए हैं लिथियम और मैंने लिख दिए हैं ऑक्सीजन। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो सकता है और क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपल सी बात, लिथियम, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये है, इसकी वैलेंसी प्लस वन, तो हम थोड़ा सा रफ कर लें, प्लस वन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू। अभी थोड़ी देर पहले आयनों को जोड़ रहे थे, वही काम यहां पे करें।
ये है वन, यहां पे चला गया ऑक्सीजन, एक बार हो गया ऑक्सीजन में माइनस टू लिखा हुआ है तो ये यहां गया तो लिथियम टू हो गया, तो क्या बन गया Li2O। छोटी सी बात है और यही करना है हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बन गया, देख लीजिए। तो क्या हुआ, एक रिएक्शन भी सीख लिया छोटा सा और आपने कंपाउंड भी बना लिया। अब पूछोगे सर इसका नाम क्या लिखें, तो मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है देख लो और सेकंड उस तरफ का पार्ट नेगेटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखना चाहिए और नेगेटिव वाले को बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट में कोई सफिक्स नहीं जोड़ना है, जैसा उसका नाम है वही होगा। इसका नाम क्या है, लिथियम। और दूसरे पार्ट जो नेगेटिव होता है उसमें एक सफिक्स जोड़ते हैं आईडीई, आइट। तो ऑक्सीजन है तो ये हो गया ऑक्साइड। इस तरह से ये लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से लिथियम ऑक्साइड बनता है। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Li2O। रिएक्शन हो गया, इजी रिएक्शन आप बना सकते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सरल रिएक्शन को बनाने की हमें क्षमता आ जाएगी। चलो और बातें करें, नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ले लिए मैग्नीशियम और मैं ले लेता हूं उस साइड से नाइट्रोजन, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है प्लस टू और नाइट्रोजन का कितना है माइनस थ्री, वैलेंसी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, इसे टू और इसे थ्री, तो क्या हो जाएगा Mg3N2, ठीक है, काफी आसान है। तो इस तरह से बन गया। अब बोलोगे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो अलग बात है, आप उसे कर सकते हैं, तो बैलेंसिंग एक अलग पार्ट होता है, बैलेंसिंग रिएक्शन हो जाने के बाद आप कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि पहले रिएक्शन कराते हैं फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो रिएक्शन करते करते अपने आप बैलेंस हो जाता है, क्योंकि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यानी अकार्बनिक रसायन जो है आयनिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, इसलिए वो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर जो बातें बताया जा रहा है उसे आप देख लीजिएगा, फिलहाल मैं लिख देता हूं। वैसे नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है आप जानते हैं, फिलहाल ये N2 ही है। मैग्नीशियम तीन बार है तो यहां नहीं करेंगे भाई, जो भी नंबर चेंज करते हैं यहीं से करते हैं, यहां से करते हैं, तो ये है 3Mg प्लस N2 गिव्स Mg3N2। अब इसके नाम की बात है तो मैंने बताया था पॉजिटिव पार्ट का कोई नाम चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिखेंगे, और नाइट्रोजन आईडी लगाएंगे नाइट्राइड हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया। चलो ये बात तो हो गया। अब एक बात होता है कि सबसे पहले हमने उधर से जो आयन पढ़े थे क्या इसके आयन के साथ जोड़ सकते हैं, हाँ उधर जो पॉजिटिव पढ़े थे ना इसके नेगेटिव के साथ जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव के साथ नहीं, तो उधर वाले पॉजिटिव को इधर नेगेटिव से जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव में क्या पढ़े थे, फेरिक, मैं कहूंगा फेरिक नाइट्राइट, नाइट्राइट आईडी लगाने के लिए बोला था नेगेटिव में, तो ये होगा N-3, ऑक्सीडेशन नंबर देखो -3 है, फास्फोरस का भी यही है, आर्सेनिक के आर्सेनाइड भी लिख सकते हो, चलो फास्फोरस सॉरी फेरिक आर्सेनाइड, चलिए ये -3 है और इसका कितना होता है Fe3+। चलिए दोनों ये इधर तीन आ गया और ये इधर भी तीन आ गया, तो हो गया Fe3N3, ये इधर थ्री चले गए, इधर थ्री चले गए, ये दोनों इसके रेशियो देखो 3:3 है, यानी कि 1:1 हो जाएगा बराबर अनुपात। अनुपात को कैसे करते हैं, सबसे छोटे सरल अनुपात मिल जाते हैं, तो क्या मिल गया, ये मिल गया Fe N मिल गया फेरिक नाइट्राइट। यहीं पे हम इसका भी ऐसे हो जाएगा फेरिक Fe3+ है और आर्सेनाइड क्या होता है, आर्सेनाइड ना IDE, ये कैसा होगा, ये भी 3- होगा इसी में, तो क्या हो गया Fe
एस। चलिए और एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव को वो जो हमने आयन देखे थे उसके साथ लगा सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कंपाउंड बनेगा। जरा देख ले, हमने सोडियम सोडियम और डाइक्रोमेट को ले लेते हैं। तो सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम का होता है Na प्लस, कहां से आया सोडियम, यहां पे पॉजिटिव हो गया। डाइक्रोमेट Cr2 O7 माइनस टू, तो क्या हुआ, ये वन इधर चला गया, टू इधर आ गया, तो बन गया Na2 Cr2 O7। इस तरह से आपको कुछ तो ट्रिक लगाने पड़ेंगे, कुछ तो दिमाग लगाने पड़ेंगे, और जो काफी सरल है, तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि हमने इस पे कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए और हम चल निकलते हैं अपनी मंजिल पाने को। रास्ते से के लिए कुछ तैयारी करके रख लें, अपने बैग में पानी का बॉटल रख लें, थोड़े खाने पीने की चीज रख लें, सफर बड़ी लंबी है तो यही है कुछ तैयारियां जो कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि जो चीजें मैंने यहां पर बताएं, सारी चीजों का लिंक दिया मैंने, और बेसिक तौर पे तैयार होने के मैंने कुछ ट्रिक बताए हैं। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। कुछ रिएक्शन करके देख लेते हैं, चलो ऐसे ही, कितना समझ में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये जरूरी है कि आप इन चीजों को जानें। चलिए अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ना कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन नॉन मेटल है तो नेगेटिव फोर माइनस, ऑक्सीजन माइनस टू, ये देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्या बना सी टू ओ फोर हो गया, और ये सिंपल रेशियो में टू वन जा टू टू जा तो सी ओ टू, दो एकम दो, दो दो चार सी ओ टू, ऑक्सीजन दो बन। तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ तैयारी कर लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जंप करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम गहराई से पढ़ेंगे तब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम जो सिखाएंगे आप समझेंगे, हम जो पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे, हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको आप करेंगे। पुस्तकें पढ़ने की आप में एक समझ क्रिएट हो जाएगा, और पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं हर एक क्लास में बोलता हूं। तो चलिए और का देखते हैं। देखिए एक सिंपल सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, अब इस रिएक्शन को देखो कि कैसे संपन्न हो सकता है। अब ये समझ में कब आएगा, जब पीछे वाला प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। देखो के एम एन ओ फोर जब इनकी रिएक्शन डाइल्यूट यानी तनु एच टू एस ओ फोर से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, क्या क्या बना सकता है, हमें सोचना है। रिएक्शन काफी बड़ा रिएक्शन बनेगा, तो इनको सोचने के लिए आप सिंपल एक चीज सोचें कि हमने हमें क्या पता है नॉर्मल इनके आयंस क्या होते हैं। जैसे ये यहां पर पोटेशियम है, यहां पर Mn है, मैग्नीज है, तो देखो पोटेशियम नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है, Mn की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन है जबकि उसकी होती है प्लस टू, यहां पर H, अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो माइनस टू, हाइड्रोजन की बात करें तो H प्लस, यहां पर सल्फेट SO4 अभी याद किए थे सल्फेट NS2, इनको इनके साथ जोड़ दो, फिर इनको इनके साथ जोड़ दो, चलो इनके साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा K2SO4। अब ये कैसे आया, K में एक प्लस होता है, SO4 में माइनस टू होता है, ये टू इधर चला गया, ये वन इधर आ गया, तो K2SO4 एक बन। फिर Mn की बात आती है, Mn को जोड़े, Mn में प्लस टू है, SO4 में माइनस टू है, तब ये टू इधर आया, इसका टू इधर आया, तो चलिए इधर ले आते हैं टू टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो Mn SO4, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, चलिए बात समझ में तब आएगी जब प्रैक्टिस में रहेंगे, है ना, बार बार बोल रहा हूं। चलो तब कितना हुआ के दो बार है इधर, इधर एक बार है, मैंने टू लिख दिया, Mn इधर दो हो गया, उधर Mn को मैंने टू लिख दिया तो टू टाइम्स हो गया। अब बोलो SO4 इस तरफ कितना है, एक और ये दो, टोटल हो गया
एक SO4 और यहां पर 2 SO4, टोटल SO4 उस साइड कितना है तीर के निशान के उस साइड 3। अब हमारे इस तरफ कितना है SO4, सिर्फ एक, तो मैंने 3 कर दिया, SO4 3 टाइम हो गया। अब बच गया है देखो कितना 3H2 और इधर बच गया है ऑक्सीजन, बचा हुआ है 8O। तो क्या हुआ देखो, तो 3H2O H2 8 ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन उन्होंने मांग लिया, 3 रख लिया, बच गया एक, या ऑक्सीजन कितने 5। ये ऐसे रिएक्शन आप कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शन आपको करना होगा और इसका बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सरल रिएक्शन सीखने को मौका मिलेगा। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ डेमो टाइप का दिया है इसको, लेकिन ये सब सीखने के लिए जो मैंने अभी कहा है वो करना पड़ेगा और नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पहले प्रैक्टिस कर लो तब हम आगे बातचीत कर सकते हैं। हमें और क्या सीखना है, जनरल से इजी रिएक्शन और टफ रिएक्शन के बारे में भी बातचीत हो सकती है। ये रिएक्शन आगे जाकर के जिनको समझ में आता है उनके लिए काफी आसान है, और जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए काफी कठिन होता है, और जिनको समझ में नहीं आता है वो याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि याद करके लिखते भी है ना तो कहीं ना कहीं गलतियां कर ही जाते हैं, क्योंकि जिस रिएक्शन को आप याद करके गए हो ये जरूरी नहीं होता है कि वो एग्जाम में आए भी। उसके अलावा दूसरा रिएक्शन आ जाएगा, कभी नहीं पूछा गया वो रिएक्शन आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तब तो आपके पास टेक्निकली कुछ जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने से पहले जो जो मैंने अभी लिस्ट बताया था उन सारी चीजों को आपको करना है, मेहनत करना है। मैं आज सिर्फ मैसेज देने के लिए संडे को आता हूं, आप सबको पता होगा, तो फिर हम किसी क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो जो मैंने आपको बताए हैं वो उनका मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दिए हैं, उनको कर लें, उनका लिंक दिया है उस लिंक को कर लें। एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कि मैं स्पेशल कुछ क्लास लेके आ रहा हूं आप सबके लिए, जैसा कि पहले भी कुछ दिनों से बताया जा रहा है। तो आप सबको ये रहना है कि हम जिस दिन एक क्लास फ्लैश, एक दिन मैं आपको एक बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूं कि बहुत जल्दी मैं एक क्लास का पूरा सेट आपके लिए तैयार करके ला रहा हूं, और वो जो है उसके लिए आप तैयार रहें। उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं रहेगा वो सब बताने वाला हूं इस हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पूरी काम होने वाला है। तो आप हमारे क्लास के साथ ज्वाइन होइए। और अभी मैं कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये वेबसाइट से भी क्लास खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। मेरा वेबसाइट है www.vikramhabchemistry.com, जैसे कि मेरे क्लास का नाम जानते हैं। दूसरी बात है कि एक ऐप है जो ओपन होने वाला है, जिसमें मैं आपको स्पेशल डॉट क्लास भी लूंगा, आपको पता होगा। और यूट्यूब में जो आ रहा है रात को जो आती है क्लास 8 से 9, वो तो आता रहेगा। और साथ में मैं आपको एक बात बोलूं कि आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको सीखने का मौका मिलेगा, अच्छे से समझ पाएंगे केमिस्ट्री। और जिन बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है वो बिल्कुल लाइक करें मेरी क्लासेस, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और उनको शेयर करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसी क्लास को शेयर करें जो वो अभी समझ सकते हैं, क्योंकि जहां से आप समझना शुरू किए हो ना वहीं से वो भी समझना शुरू करेंगे। अचानक कहीं से भी आप स्टार्ट कर दोगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगी। सो उनको ऐसे वीडियो शेयर करिए जिनसे उनको सीखने का अच्छा मौका मिले। और आप लाइक करेंगे तो हमारा क्लास, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नए क्लासेस का। यदि आप इस पूरी वीडियो को लाइन से देखेंगे और जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे तो बिल्कुल आपको केमिस्ट्री परफेक्ट समझ में आएगी और मार्क्स नंबर जबरदस्त आएंगे आपके। अभी स्कूल चालू हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट में दो प्रकार की धारणा एक साथ चल रही है। फर्स्ट, कुछ बच्चों के दिमाग में है कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत सरल है, इनको हम पढ़ लेंगे जब एग्जाम आएगा, उन्होंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया। दूसरे तरह के स्टूडेंट ये हैं कि जब वो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ बच्चे इस प्रॉब्लम को ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ लोग इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई जवाब मिल जाए कि उनको ये जो समस्या है कि उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे करें। तो मैं आपको कुछ कहूंगा, कुछ बताऊंगा, उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो 100%
आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, जैसा कि मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, पर सवाल यह है करें क्या, है ना। मैंने कहा करना है, समझ लो, पकड़ लो, कान पकड़ लो कि आपको केमिस्ट्री समझना है, तो 100% समझ में आएगी। और क्या कहूंगा वो देखते रहिएगा पूरी इस वीडियो को देखते, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार 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 मुझे या तो कॉल कर रहे हैं या एकदम एक आध वीडियो देखे और बोले सर केमिस्ट्री को समझाओ सर, मुझे अच्छे से समझाओ सर, मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं सर। तो मेरी ही क्लास ज्वाइन करोगे, फ्री में करोगे, जिनको पे करना है वो पे भी कर सकते हैं, उनके भी कुछ नियम हैं, उनके भी अलग तरह के वीडियोस हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जो फ्री में भी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास जवाब है। करना क्या है बस ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये करना है कि जो वीडियो, जो क्लास, जो टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है उसी को सबसे पहले पढ़ें। वो क्या है, आप एक काम करिए, ये वीडियो है जैसा कि मैं यहां पे बता रहा हूं, एक वीडियो आपने ओपन किया, इस वीडियो को ओपन करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। कुछ बच्चों को वीडियो ओपन करने नहीं आता है, चालू करने नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने नहीं आता है, तो उनके लिए बता रहा हूं ये वीडियो है। थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये छोटा सा एरो लगा है उसको क्लिक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, देखिए ना ये एरो, उसको क्लिक करिए तो आपको क्या आ जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी को कहते हैं जो ओपन हुआ है ना, जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिंक दिए हैं, इस सारे लिंक को आप एक एक करके देखते जाइए। लिंक में मैंने क्या दिए हैं वो बताता हूं आपको। सबसे पहले ये पूरे लिंक जो है प्लेलिस्ट का है, 11th वाले बच्चों के लिए सबसे ऊपर में और 12th वाले बच्चों के लिए नीचे में, लेकिन जो फर्स्ट प्लेलिस्ट का लिंक है वो 12th वाले बच्चों के लिए भी है और 11th वाले बच्चों के लिए भी है। ये लिंक है प्री बेसिक केमिस्ट्री का, प्री बेसिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे, पहला वीडियो आएगा, उसको पूरी तरह से देखना है, पूरी तरह से करना है। करना कैसे है मैंने कई कई वीडियो में बताए हैं आपको, बहुत सारे बच्चे इसको दोबारा देख रहे होंगे जो मैं कहने वाला हूं। कॉपी ओपन कर लें, पेन ले लें और वीडियो जो मैं बताते जाऊंगा उसको आप जब तक, जब मैं बोलूं कि आप इसे नोट करिए, आप नोट करिए उसे, जैसा करने के लिए बोलूं वैसा करिए आप। कहीं कहीं पे हमने बोर्ड में लिखे हैं उसके बाद आपको नोट करना होता है, तो थोड़ी पॉज कर लें फिर नोट कर लीजिए उसे। कुछ वर्क करने के लिए बोलेंगे उसे वर्क कर लीजिए आप। फाइनल ये होगा जब वो वीडियो खत्म होगा ना, पहली बार वो वीडियो देख रहे होगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार पहली बार हमने केमिस्ट्री सीखा है। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो आप क्लिक करिए, इस तरह से रेगुलरली उस प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो एक एक करके देख लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हो तो उसमें के सारे वीडियो आप कर लो और देख चुके हैं इस प्री बेसिक केमिस्ट्री का, तो अगला चैप्टर वन आपको मैंने वीडियो दे दिए हैं, चैप्टर वन की पूरी वीडियो कर लीजिए आप। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करिए। पहला काम क्या करिए, वीडियो देखना है, समझा रहा हूं समझते जाइए, कॉपी में जहां पे नोट करने के लिए बोलो वहां नोट करिए और देखेंगे आपकी कॉपी में एक बढ़िया सा नोट्स आ गया है। आप लोग भटक रहे हो कहीं से पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत लोगों ने पीडीएफ दे दिया, आपने रख लिए हैं, रट लिए हैं, सब केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, कहां से समझ में आएगा, आपने समझने की कोशिश ही नहीं किए हैं, पीडीएफ कलेक्ट कर लिए, रट्टा मार रहे हैं, एग्जाम में आएगा फंसेगा, कुछ मार्क्स मिल गए खुश हैं। जब मेहनत के रास्ते पे चलोगे तो फल बहुत ही मीठा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ये क्लास आपको सक्सेस दिलाने के लिए है, आपको सिखाने के लिए है। अब बताता हूं 11th वाले क्या करें और 12th वाले क्या करें। 11th वाले प्री बेसिक केमिस्ट्री का पूरा वीडियो करें, मैं लिंक का लिस्ट दिया हूं ना, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं लाइन से, और ये काम मैं आने वाले सारे वीडियोस में देने वाला हूं, लिंक लाइन से करेंगे, जो हो जाता है उसको मत करें, जो नहीं हुआ है उसके आगे करें। एक बात और बोलूंगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे तन मन धन से पढ़े, तन मन और धन तीनों लगाना पड़ेगा,